हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, अभी प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के लाइट इफेक्ट या स्टेटस रीडिंग अगर आप भी करना चाहें तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसका प्रीसेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इसका एक्सएमएल आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ पर अपलोड होगा, वहाँ से मिल जाएगा। देन फुल एडिटिंग में बताने वाला, आपको कोई भी परेशानी हो वीडियो देख लीजिए, आपकी एडिटिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। और गाइस, आपको वीडियो पसंद है और इसी तरह की कंटिन्यू एडिटिंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आपका हेल्प मिल जाए। अभी के लिए हम एलाइट मोशन अप्लीकेशन का ओपन करेंगे। दोस्तों, एलाइट मोशन अप्लीकेशन अगर आपके पास ना हो तो आप टेलीग्राम पर ही जाकर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर वाले में वाटरमार्क आता है और ऐड भी, तो आप वहाँ से जाकर कर लीजिएगा। या फिर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर वाला यूज कर सकते हैं। प्रीमियम लेने में भी आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग जो 3D एडिटिंग करते हैं तो उसका जो फुल प्रोजेक्ट होता है वो प्रीमियम वालों के लिए आसानी से शेयर होता है और मोड वालों के लिए नहीं होता है। अभी के लिए मैं लाइडिक्स एडिटिंग करने वाला हूं, तो सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 सेलेक्ट करेंगे, रेजुलेशन 1080 रखेंगे, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, देन मीडियम देगा। यहाँ पे आपको उस फाइल में चले जाना है जिस फाइल में आपने फोटो रखा होगा, जिस फोटो पे एडिटिंग करना है। तो मैं यहाँ से एक तो फोटो तब तक के लिए कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस पे मैं एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फोटो में अच्छा सा कोई सा भी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस पर मैं एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। सुगज जी, मैं आज इस फोटो पर एडिटिंग करके दिखाता हूँ। तो फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे फोटो को एडजस्ट करेंगे तो हल्का सा इसे जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और फिर इसे यहाँ पे सेट करते हैं। नीचे कोई वाटरमार्क आया तो प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करते हैं, कलर में फिल में जाएंगे, ड्यूल कलर को सिलेक्ट करेंगे, व्हाइट वाले को ऊपर, ब्लैक वाले को नीचे कर लेंगे, व्हाइट वाले को यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे कर देंगे। देन ये ऊपर वाला जो इसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, और नीचे वाले को हल्का सा और नीचे, बस हमें जो वाटरमार्क था उसे कट करना है। तो यहाँ पर हो गया। अब इस फोटो में भी थोड़ा सा हम इफेक्ट देंगे, तो गाइस फोटो पे अभी इफेक्ट दे लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे टाइल्स करके एक इफेक्ट आता है, सर्च कीजिएगा ऊपर में TIL, तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, मिरर को ऑन कर दीजिएगा, देन टाइल्स पे क्लिक कीजिएगा, बैक चला जाएगा, यहाँ पे ऐड इफेक्ट में चले जाइएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, स्विंग को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, देन यहाँ पे स्विंग को ओपन करना है। फ्रीक्वेंसी इसका 0.15 कर लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 पे आइएगा और इसे माइनस में 7 कर लीजिएगा, माइनस में ही 7, ये प्लस में चला गया। तो एक को प्लस में रखना है, एक को माइनस में रखना है, तो दोनों में से कोई भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर -7 कर दिया, देन इसे प्लस में ही 7 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और, बस ये प्लस में करना था, माइनस में चला गया, तो इसे प्लस में 7 कर लेते हैं। यहाँ पे देखते ये रहा, ठीक है, आराम से कीजिएगा, हो जाएगा। देन स्विंग पर क्लिक कीजिएगा, बैक चला जाएगा। अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हल्का हल्का शेक करता हुआ फोटो आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी इसका लेंथ हम बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। अभी के लिए स्टार्टिंग में आ जाइएगा, प्लस के में टैप कीजिएगा, ऑडियो में जाइएगा, और जिस भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने जो पिक्चर सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग कोई ऑडियो ढूंढ लेता हूँ। सुगेत, एक सॉन्ग मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, कैसी तेरी खुदगर्जी करके, ये तो सैड सॉन्ग ही है, तो मैंने इसे ले लिया। अब इसे सबसे नीचे कर ले, फिर लास्ट में जाएंगे जितना टाइम का है, और ये दोनों को सिलेक्ट करके लास्ट तक कर लेंगे, देन स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अभी इसे मैं प्ले करके देख लेता हूँ, फर्स्ट लाइन इसका वर्ड क्या है। तो फर्स्ट लिरिक्स का वर्ड है मेरे आंसू, और गाइस थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, देन टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है आपका जो भी वर्ड होगा। तो यहाँ पे मेरे आंसू, ठीक है। तो इसी तरह से छोटा छोटा वर्ड कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इसे अलाइन करेंगे, रोबोट टूल पे क्लिक कीजिए और व्यू ऑल में चले जाइएगा, यहाँ पे सेकिज ओपन टाइप फॉन्ट आता है, तो SHN सेकिज ओपन टाइप TT करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला आपको लेना है, PH नहीं लेना है या फिर OT नहीं लेना है, ये TT लेना है, ठीक है। तो इसे ले लीजिएगा, देन लेने के बाद इसका साइज जो गाइस आप इसे बढ़ाकर 20 ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे ये रहा। और ये पॉइंटर को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, तो इतना पर मैं रहने देता। इसका कलर यहाँ से व्हाइट कर लेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, मूव करके नीचे की तरफ इसे आप जहाँ पे रखना चाहे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आइएगा, बॉर्डर एंड शैडो में जाइएगा, शैडो को ऑन कर दीजिएगा इस तरह से, और इसे 0 कर दीजिएगा, और इसका अल्फा जो है इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे 80 रख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब एक बार प्ले करके चेक कीजिएगा कि ये फॉन्ट का वर्ड जो है कहाँ तक है, यहाँ तक मेरे आंसू। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। गाइस यहाँ पे फोटो पे हमने डायरेक्ट खींच दिया था, इसका इफेक्ट में प्रॉब्लम भी आ सकता है,
क्योंकि इसमें की नहीं लगा हुआ तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। की लगा हुआ रहता है तो डायरेक्ट खींचने पर उसमें परेशानी आ जाती है। अभी ये जो टेक्स्ट है इसमें हम इफेक्ट देंगे, तो गाइस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाइएगा, ऐड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ ब्लर में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्शनल ब्लर करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। इसके दरमियान में आकर एक की लगा लीजिएगा, मतलब बीचों बीच एक की लगा लीजिएगा, बीच वाले की को आपको यहाँ पे जीरो कर देना है जैसा देख सकते हैं। फिर लास्ट में आइएगा, मतलब स्टार्टिंग में एक की लगाइएगा, स्टार्टिंग में जो की लगाइएगा उसे 0.30 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे 30 कर दिया हूँ। करने के बाद ये दोनों के बीच में आइए, कॉर्ड पर क्लिक कीजिएगा और इसे यहाँ पे रख लीजिएगा और फिर इसे इतना पे बीच में रख दीजिएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। फिर यहाँ से आपको बैक आना है, डायरेक्शनल ब्लर पे क्लिक करना है, ये नीचे चला जाएगा। अभी आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट लेना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, आपको प्रोसीड्यूल में जाना होगा। यहाँ पे स्ट्रिप्स करके एक इफेक्ट दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना, देन कुछ इस तरह से आगे इसे सेलेक्ट कीजिएगा, काउंट को 0.5 कर दीजिएगा, विथ को 0.20 कर लीजिएगा जैसा देख सकते हैं, एंगल जैसे छोड़ दीजिए। फेज पे आइएगा, इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, स्टार्टिंग में जो की लगाई है इसे 1.58 कर दीजिएगा, ठीक है। 1.58 देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये रहा, ठीक है। फिर इसके लास्ट में चले जाइएगा, देन यहाँ पे की लगा लीजिए, की लगाने के बाद लगा दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है 0.57 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 57 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप जो भी कलर रखना चाहे तो कलर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो ज़्यादा कलर ये वाला चलता है, गोल्डन वाला, इसे सेलेक्ट करके और हार्ड कर देते हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको स्मूथिंग देखने को मिलेगा, इसे आप 0.100 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते ये रहा 0.100, ठीक है। देन इसका काम भी हो गया, स्टेप्स पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको कलर एंड लाइट में जाना है, एक्सपोजर गामा करके इफेक्ट मिलता है, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए। देन यहाँ पे एक्सपोजर गामा को ओपन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, सॉरी स्क्रीन पे जो देख सकते हैं स्टार्टिंग में, बोल कोई परेशानी नहीं गई, यहाँ पे बोलते बोलते ज़्यादा ऐसे जवान फिसलने लगता है, इग्नोर कीजिएगा। तीसरे 1.80 कर लीजिएगा, ठीक है। 1.80 इसे कर लेंगे पूरा, ठीक है, ये रहा। देन सेकेंड की आपको लगाना है दरमियान में, मतलब बीच में आ जाना है, यहाँ पे एक की लगाना है और इसे जीरो कर देना है, ठीक है, पूरा जीरो कर लीजिएगा, ये माइनस में चला गया, जीरो रखना है, ठीक है, यहाँ पे। फिर दोनों के बीच में आइए, कर्व पे जाइएगा और इसे यहाँ पे रख लीजिएगा और इसे यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉपी कर्व कीजिएगा, इसका यूज हम आगे करेंगे। फिर यहाँ से बैक आ जाइएगा, जो जैसे छोड़ दीजिए, एक्सपोजर गामा पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड पर क्लिक कीजिएगा, ब्लर में जाइएगा, मोशन ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन इसे सेलेक्ट कीजिएगा और इसे यहाँ से जीरो कर दीजिएगा। जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं मैंने इसे जीरो कर दिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे मोशन ब्लर पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, जी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड इफेक्ट पे फिर से क्लिक करना है और ब्लर में जाना है, जूम ब्लर करके एक इफेक्ट दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। अभी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जैसा आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। अब जूम ब्लर को सिलेक्ट कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ पर क्लिक करना है, इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लेना है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर इसे आपको कर देना है 1, पूरा 1 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर। फिर इसके सेकेंड वाले की पर जाइएगा, यहाँ पर प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद गई जी इसे 0 कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन ये दोनों के बीच में आना है, कर्व पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट कर्व कर देना है, जो कर्व हम कॉपी करके लाए थे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, देन यहाँ से बैक आ जाएगा। अब यहाँ पे जूम ब्लर पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर कलर एंड लाइट में जाना है, यहाँ पे एक्सपोजर गामा दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग करना है। एक्सपोजर गामा को ओपन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, स्टार्टिंग में आकर की लगाइएगा और यहाँ पे 1.80 के अकॉर्डिंग रख लेते हैं, तो 81 यहाँ पे कर दिए। फिर सेकेंड की पे जाएंगे, यहाँ पे की लगाएंगे और इसे 0 करना है, पूरा 0 रखना है, ठीक है, माइनस नहीं करना है, 0। फिर दोनों के बीच में आना है, कर्व पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट कर्व करना है, कर्व आप कॉपी करके लाएंगे तभी पेस्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और कर्व हर एक की जो लगाएंगे हम उसमें देना ही रहता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब ये जैसे छोड़ दीजिए, एक्सपोजर गामा पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके यहाँ पे आपको फिर से एक बार जूम ब्लर को सिलेक्ट करना है, तो ब्लर में जाएंगे, जूम ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, करने के बाद स्ट्रेंथ पे क्लिक करेंगे, इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगाएंगे और इसे पूरा 1 करेंगे, देन सेकेंड की पे जाएंगे, यहाँ पे की लगाएंगे और इसे 0 कर लेंगे, ठीक है। फिर दोनों के बीच में आएंगे, कर्व पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर्व कर देंगे, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हुआ। अभी आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथली हमारी एडिटिंग यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अब सेकेंड वर्ड के लिए क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, ये वाली ऑप्शन टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, देन नेक्स्ट ईयर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पर जाइएगा, ये वाली ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर कीजिएगा और प्ले करके चेक कर लीजिए सेकेंड लाइन का वर्ड आपका क्या है।
ना देखे तू, ठीक है, तो कहाँ तक है, ना देखे तू यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पर क्लिक करके आगे खींच लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे फॉन्ट पेस्ट करने के बाद आपको चेक करने में परेशानी होगी क्योंकि इसमें लेग करने लगता है इफेक्ट की वजह से, तो आप पहले ही बीट लगा लीजिएगा। जैसे मैं लगा कर दिखाता हूँ, तेरी मर्जी यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे एक बीट लगाएंगे, फिर आगे तेरी मर्जी यहाँ आगे तक आ रहा है, तेरी यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बीट आप पूरा लगा लीजिए जहाँ तक होगा, और फिर आपको क्या करना है, इसका चेंज करना है लिरिक्स। तो यहाँ पे क्या था, ना देखे तू, तो यहाँ पे जो लिखा है उसे क्लियर करेंगे, देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे ना देखे तू, ठीक है, देन राइट क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो रहा है और दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाले ऑप्शन टाइप करेंगे, पेस्ट क्लियर करेंगे, देन यहाँ पे जहाँ पे बीट लगाए हैं बीट तक जाएंगे और इसे सेलेक्ट करके आगे खींच ले, सॉरी इससे नहीं खींचना है, ये ड्यूरेशन वाले ऑप्शन टाइप करके आगे खींचना है, नहीं तो की में गड़बड़ी हो जाएगा। अब फिर इसे सुन लीजिएगा और जो भी वर्ड होगा उसे टाइप कर दीजिएगा, देन पूरा लिरिक्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में आ जाइएगा और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, इमोजी पे क्लिक कीजिए, जो भी दो तीन ठो इमोजी आप लेना चाहे उस इमोजी को ले लीजिएगा, फिर अलाइन कीजिएगा, रोबोट टूल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आईएस वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसका कलर यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा, देन राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे आइएगा, इस इमोजी को लेकर नीचे की तरफ यहाँ पे रख लीजिएगा सेंटर में और यहाँ से बैक आ जाइएगा, फिर स्क्रीन पे टाइप कीजिएगा, स्टार्टिंग में प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम जो भी होगा उसे टाइप कीजिएगा, कुछ इस तरह से मैं अपना यूजर नेम लगाता हूँ, अगर आप लोगो बना कर रखे हो तो उसे भी लगा सकते हैं, MKSINGH1051 ये मेरा यूजर नेम है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मेरे जितने भी आईडी आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। अब इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेकेंड व्हाइट जो उसे रखता हूँ। इसका फॉन्ट जो है गाइस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, जो भी फॉन्ट यहाँ पे देना चाहे वो फॉन्ट दे सकते हो, तो मैं यहाँ से तब तक के लिए बिग नूडल करके एक फॉन्ट आता है उसे सर्च करके ले लेता हूँ, बिग नूडल ये देख सकते हैं, इसे मैंने ले लिया। लेने के बाद इसका जो साइज़ है उसे छोटा करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट स्पेसिंग को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे, देन थोड़ा सा इसे हम जूम कर देंगे, फिर यहाँ से बैक आएंगे, इसे मूव करके अपने एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और फिर लास्ट में चले जाइएगा, लास्ट में जाने के बाद दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा और लास्ट तक खींच लीजिएगा। अब स्टार्टिंग में अगर प्ले करके चेक कर सकते हैं, आपका लिरिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इस तरह से पूरा लिरिक्स कंप्लीट कीजिएगा, आपका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, देन इसे सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपर्ट पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। गाइस उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई, उस गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं हर रोज आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक पर ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ जो रील्स पर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।